थोड़ा करके इसमें करके ये है कि गर्दन भी सीधी होना चाहिए ऊपर की तरह, इसको यूं करेंगे और गर्दन ऊपर भी रहेगी इस तरह से, ये ऐसे ये गर्दन आपकी सीधी ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो गर्दन के भी जो जोड़ होते हैं और जंघा के ऊपर जो भी ज्वाइंट पर किसी तरह के विकार होते हैं, वे विकार दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं पास को बनाया गया है उसमें स्पर्श लगा पहला सत्य नियोजित है, शरीर माध्यम फल धर्मता है। बीमार की स्थिति में कोई कार्य नहीं होते हैं, ना किसी कार्य में मन लगता है। योगा करने से हमारे शरीर मस्तिष्क और आध्यात्म तीनों में सुधार होता है, उन्नति होती है। अब इसके बाद अब लेटने वाले आसन हैं। अब क्योंकि आप लेटने वाले क्या बनेंगे, आप या कर जैसा आपका हो, नहीं हो जाए सर तीनों बन जाएंगे। अच्छा चलो सर हो जाएंगे, इसमें ऐसे सीधे लेट जाएंगे। लेट करके पैर पकड़ना है, ये पैर पकड़ना है और ऐसे देखो इस तरह से ये आसन आपको करना है। ये आसन करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, पांव जुड़े रहें और इस तरह से ये धनुरासन कहलाती है, धनुष जैसी आकृति करती है। और आगे चल करके फिर हम इसमें ये उठाएंगे और नाभि का भाग हमारा जमीन से स्पर्श करेगा और ऊपर हम इस तरह से तने हुए रहेंगे। तो ये आसन हमारी हमारी एक तरह से जठराग्नि प्रज्वलित करती है, हमें हमारी भूख बढ़ाती है, इससे हमारे पेट संबंधी दोष दूर होते हैं। और ये हमारी आसन जो इसमें सर्प जैसा आकृति बनती है भुजंगासन, ये बनती है। फिर एक आसन और होती है, वो जरा कठिन होती है, वो अभ्यास वाले ही कर पाते हैं, जैसा कि अभी बताया था। इसमें इसको हम एक तरह से भयुरासन कहेंगे। तो ये मयूरासन हो जाता है। इसी में हम अपने घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों को अपनी एड़ियों पर रखते हैं, एड़ी पांव की एड़ी पर, और इस तरह से तन जाते हैं आगे की ओर उनको। अभी पेट के बल लेटे थे, अब पीठ के बल लेट करके कुछ आसन है।